सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, सबसे पहले हम आपके मानदेय बढ़ोतरी की बात करेंगे। आपका मानदेय 1 जुलाई से कितना बढ़ने वाला है, इस पे हम चर्चा पहले करेंगे। तो आप लोग देख सकती हैं, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से एक जो लेटर है जारी किया गया है महिला बाल विकास का। अब इसमें लिखा क्या गया है, पहले हम यह देखेंगे, फिर आपके मानदेय पे बढ़ेंगे। राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए जाते हैं। मतलब कि कार्यकर्ता, सहायिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सेवा शर्तें हैं उसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब मानदेय कितना बड़ा है यह भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 पे लिखा क्या था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में, ध्यान से सुनिएगा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राजमद से राशि रुपये 3,000 रुपये प्रति माह, मतलब 3,000 रुपये हर महीने आंगनबाड़ी सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त माह में मानदेय में राजमद से 750 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जो स्वीकृति है 1 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मतलब बहनों, पिछले साल 1 जुलाई 2023 को ही आपका मानदेय जो है कि बढ़ा था। मतलब कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया था 1 जुलाई 2023 को। वहीं पे मिनी बहनें और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की भी वृद्धि जो है कि 1 जुलाई को की गई थी। मानदेय वृद्धि माह जुलाई 2023 के मानदेय जो अगस्त 2023 के देय से लागू होगा। मतलब कि जुलाई में जो मानदेय बढ़ाया गया था वह अगस्त में फिर मिलना लागू हो गया था। अब बहनें यह सोच रही होंगी कि यह 1 साल पुराना जो लेटर है उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहनों, वह है पॉइंट नंबर 2। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा बहनों। वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि रुपये, ध्यान से सुनिएगा, राशि रुपये 1,000 की वार्षिक वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि रुपये 500 की वार्षिक वृद्धि राज्य मद से आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है। इसका मतलब क्या आप समझी बहनों, पिछले वर्ष हमारा 3,000 रुपये का जो है कि मानदेय बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सरकार ने, यहाँ तक कि महिला बाल विकास विभाग ने यह भी बोला था कि अगले वर्ष से 1,000 रुपये की जो है कि वार्षिक वृद्धि की जाएगी। मतलब कि 1 जुलाई 2023 को मानदेय बढ़ा था, अब यानी कि 1 जुलाई 2024 को 1,000 रुपये की जो है कि आपकी मानदेय की वृद्धि होनी चाहिए। मतलब सरकार ने तो यही कहा था कि अगले वर्ष के 1 जुलाई को 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। आपको पता है यह जून का महीना चल रहा है, अगले महीने जुलाई लगेगा, तो क्या अगले महीने की जुलाई में 1 तारीख से आप लोगों के मानदेय में वृद्धि में 1,000 रुपये और बढ़ाया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि यह जो पुराना लेटर है पिछले वर्ष का, जो कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर जुलाई में आंगनबाड़ी बहनों में 1,000 रुपये की वार्षिक वृद्धि की जाएगी, तो क्या सरकार अपना यह वादा या जो आदेश पारित हुआ था इसको पूरा किया जाएगा कि नहीं। हम बता दें कि जो 1,000 रुपये की वृद्धि है वह अगर 1 जुलाई को नहीं होती है, जैसा कि सरकार ने इस लेटर में, इस आदेश में पारित किया है, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू के द्वारा जो है कि एक धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, यानी कि आंदोलन करना बहनों जरूरी हो जाएगा। सरकार ने पहले बोला था कि हर अप्रैल को 1,000 रुपये वेतन वृद्धि होगी, मानदेय वृद्धि होगी, फिर उस चीज़ को कैंसिल करके सरकार ने यह बोला कि 1 जुलाई को, यानी कि हर जुलाई में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। तो यह बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश में फिलहाल जो 13,000 रुपये का मानदेय है, अगर 1 जुलाई से 1,000 रुपये के मानदेय की वृद्धि होती है, तो फिर
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो मानदेय है वह 14,000 रुपये हो जाएगा, और साथ ही साथ हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों ही 14,000 रुपये देने वाले जो है कि सबसे ज़्यादा मानदेय देने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मानदेय फ़िलहाल 14,000 जो कि महंगाई के अनुसार बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी 14,000 का मानदेय जो है कि हरियाणा सरकार दे रही है। अब यहाँ अगर मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को 14,000 रुपये मानदेय नहीं हुआ, मतलब 1,000 रुपये की और वेतन वृद्धि नहीं हुई जैसा कि इस लेटर में लिखा है, तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बहनों तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्ति पर, यानी कि 62 वर्ष की जब कार्यकर्ताएँ पूरी हो जाएंगी, उनके रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तो उनके रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त राशि रुपये 1,25,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट होने पे उनको 1,25,000 रुपये जो है कि दिया जाएगा राशि, तथा आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त 1,00,000 रुपये भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि 1,00,000 रुपये जो है कि मिनी कार्यकर्ता बहनों को मिलेगा, सहायिका बहनों को मिलेगा, और 1,25,000 की जो राशि है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगी उनके रिटायरमेंट होने पे। अब एक मुश्त राशि का जो भी भुगतान है, यह भी सरकार ने बोला था कि 1 जुलाई 2023 के उपरांत सेवानिवृत्ति पर देय होगा। मतलब पिछले वर्ष के 1 जुलाई 2023 के बाद जितनी भी अब आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका बहनें रिटायरमेंट होंगी, तो उनको यह जो जारी की हुई राशि है यह मिलेगी। यानी कि कार्यकर्ता को 1,25,000 मिलेंगे रिटायरमेंट पे, और 1,00,000 रुपये सहायिका और मिनी बहनों को मिलेंगे, ऐसा इस लेटर के द्वारा पिछले वर्ष जो है कि सरकार ने जारी किया था। अब यह जो आदेश है दिनांक 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील है, तो आप यह भी देख सकती हैं बहनों कि यह आदेश जारी किया किसने था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा राज्यपाल के आदेशानुसार। यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने ही यह के आदेशानुसार यह जो है कि जारी किया गया था दिनांक में यह आदेश। तो इनको पॉइंट नंबर 2 भी राज्यपाल को या मध्य प्रदेश सरकार को या फिर महिला बाल विकास को नहीं भूलना चाहिए कि जुलाई में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए। जुलाई में जो 1,000 रुपये की अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने की उनकी नीति थी, जिनकी उन्होंने आदेश दिया था, वह उनको पूरा करें। यानी कि 13,000 मानदेय है, तो अब मानदेय को जुलाई से 14,000 रुपये कर दें मध्य प्रदेश में। अब इस चीज़ पे बहनों आप लोगों का क्या कहना है, इसको भी आप कमेंट करके बहनों बता सकती हैं। जी हाँ, कमेंट करके आप अपने सवाल भी पूछ सकती हैं बहनों। वीडियो अगर पसंद आया है बहनों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह खबर जा सके। और बहनों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी आंगनबाड़ी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की मुख्य और बड़ी खबरों में, तब तक के लिए बहनों नमस्कार।